इधर एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में बीजेपी सांसद ने खुदकुशी की है। ये बड़ी खबर आई है, हिमाचल के मंडी से सांसद हैं राम स्वरूप, जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। दिल्ली के घर में उनका शव मिला है। बीजेपी सांसद के खुदकुशी की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है वो जांच पड़ताल के बाद का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक संदिग्ध मौत है और शायद उन्होंने खुदकुशी की है। तो मंडी से सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं राम स्वरूप शर्मा, और दिल्ली में इनका जो आवास है वहां पर बताया जा रहा है कि फांसी लाकर खुदकुशी कर ली है। तो कमरे के अंदर से उनका शव मिला है। और दिल्ली बीजेपी सांसद, आपको बता दें दिल्ली में इनका आवास था, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये सांसद हैं, और दिल्ली का जो इनका आवास है वहां पर ये बताया जा रहा है कि कमरे के अंदर इन्होंने खुदकुशी की, कमरा अंदर से बंद था। इसी वजह से प्रथम दृष्टया जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि शायद इन्होंने आत्महत्या की है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद है राम स्वरूप शर्मा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि संदिग्ध अवस्था में शायद इनकी मौत हुई है, खुदकुशी जाहिर की जा रही है, क्या अपडेट आपके पास, क्या वजह निकल कर हो सकती है इसमें? देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है शुभांकर, उसके हिसाब से इनका कमरा अंदर से लॉक था जी। और नौकरों ने जब कमरा खोला है तब जो है अंदर ये मृत पाए गए। अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में पुलिस अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दी है। कितने बजे घटना हो सकती है या नौकरों की तरफ से कोई बात सामने आई हो? समय इसके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि जैसे ही खोला गया उसके बाद फिर ये लोग राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेके गए हैं, जहाँ पे भी डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो अभी जो पहली जो जानकारी मिल रही है वो सिर्फ यही मिल रही है जी। कि इनकी जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अब मौत की बड़ी वजह क्या है ये पुलिस अभी पूरे मामले पे बिल्कुल। आप कुमार कुंदन लगातार नजर बनाए रखिए। तो बीजेपी के सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से, इनकी मौत हुई है खुदकुशी, प्रथम दृष्टया जो वजह निकल कर आ रही है वो है। हालांकि सच्चाई क्या है वो बाद में जांच पड़ताल के बाद सामने आएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।